दोस्तों, अगर आपका फोन बहुत ज्यादा ओवरहीट हो रहा है, वो चाहे गेम खेलते समय हो गया, चार्जिंग करते समय हो गया, या फिर नॉर्मली फोन को इस्तेमाल करते समय हो गया। अक्सर दोस्तों हमने देखा है, जब गर्मियों का टाइम आता है तो फोन को थोड़ा सा भी चला लेते हैं तो फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर गेम खेल ले तो पीछे की तरफ दोस्तों एकदम बोल सकते हो ना, एकदम वैसे गर्म सा हो जाता है ना। या फिर चार्जिंग में लगा दे तो भी दोस्तों फोन गर्म हो जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको सिर्फ 3 सेटिंग अपने फोन के अंदर बंद करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने फोन को कितना भी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक कि धूप में भी इस्तेमाल करेंगे, तो भी दोस्तों 1% भी आपका फोन गर्म नहीं होगा, ओवरहीट नहीं होगा। सिर्फ 3 सेटिंग आपको अपने फोन के अंदर बंद करना होगा, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जिंदगी में दोबारा कभी आपका फोन ओवरहीट नहीं होगा। सोचो, इतनी कमाल की ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको 3 सेटिंग के बारे में बता देता हूं, जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर बंद कर देते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आपके फोन में कभी भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना भी आप अपने फोन को इस्तेमाल कर ले, कितना भी चला ले, फोन थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा। सिर्फ 3 सेटिंग बंद करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन का जो मेन सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 1x1 करके सभी सेटिंग बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। हम आपके लिए काफी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको 1x1 करके तीनों ट्रिक के बारे में बता देता हूं। और याद आ गया दोस्तों, जो तीसरे नंबर का ट्रिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरे नंबर का ट्रिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब यहां पर आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको नीचे आना है पहले नंबर की सेटिंग के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि होता है दोस्तों लोकेशन। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये लोकेशन जो है ना, इसे आप बंद करके रखें या फिर चालू करके रखें, इससे फोन के ओवरहीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है पता है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग दिया हुआ है, जो कि है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों सेटिंग है ये ऑन होते हैं हमारे फोन के अंदर। आप लोकेशन को बंद कर देंगे ना, तब भी दोस्तों ये आपके फोन के अंदर ऑन रहेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने लोकेशन को बंद कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकेशन को बंद कर दिया हूँ, फिर भी दोस्तों ये दोनों सेटिंग ऑन रहते हैं। अब ये दोनों सेटिंग करते क्या है, हमारे फोन के बैकग्राउंड में इतना ज्यादा स्कैनिंग करते हैं, इतना ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं कि हमारे फोन के अंदर जो सीपीयू लगा है ना, वो बहुत ही ज्यादा हीट होने लगता है। अब जब सीपीयू हीट होगा तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा पूरा का पूरा फोन हीट होना शुरू कर देगा, है ना। तो आपको इसे बंद करके रखना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे किसी भी काम का आता नहीं है, बहुत ही बोल सकते हो ना कम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे दोस्तों आपको इन दोनों सेटिंग को यहाँ से बंद कर देना है। इसे आप बंद करेंगे तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा कि आपका फोन बहुत ही कम हीट करेगा, बहुत ही कम बोल सकते हो, एकदम ना के बराबर, ठीक है। तो आपको सबसे पहली सेटिंग यहाँ से बंद कर देना है। अब बात करेंगे दूसरे नंबर की सेटिंग की। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों डेवलपर ऑप्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब डेवलपर ऑप्शन के अंदर दोस्तों दूसरा सेटिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको एकदम नीचे की तरफ चले आना है। जैसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अभी जो लिमिट होता है दोस्तों स्टैंडर्ड पर सेट होता है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पर ही सभी फोन के अंदर सेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये अगर स्टैंडर्ड पर है तो आपके फोन के बैकग्राउंड में कितना भी अनलिमिटेड प्रोसेसिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपके फोन का बैटरी और सीपीयू दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवरहीट कर सकते हैं, समझ लो, जिससे हो सकता है आपका फोन खराब हो जाए, बैटरी खराब हो जाए, बैटरी बैकअप सही ना मिले, है ना। तो ये सभी समस्या आ सकती है। तो आपको सिंपली करना क्या है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस जो दिया हुआ है इसके ऊपर आपको इसे सेट कर देना है, ताकि आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस ना चले, जिससे आपका फोन ओवरहीट ना हो, बैटरी भी जल्दी खत्म नहीं होगा, काफी सारे फायदे होंगे, समझ रहे हो। ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको यहां पर कर लेना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग है जो आपको यहां पर कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको तीसरे नंबर का और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर कर लेते हैं तो दोस्तों लाइफ में दोबारा कभी आपका फोन ओवरहीट नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो तीसरे नंबर का ट्रिक है, इसके लिए आपको अपने फोन में ये एक छोटा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इस ऐप को कैसे आप डाउनलोड करेंगे, उस सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा,
लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। अब डायरेक्टली दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है, पहले जो स्टार्टिंग में दो सेटिंग बताया हूँ ना, उसे करने के बाद तीसरे नंबर पर आपको इस एप्लीकेशन को जो है सेटअप करना है, नहीं तो आपका फ़ोन ओवरहीट होता रहेगा। आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस करना है। तो इसे यहाँ से आपको कट कर देना है, परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद ये आपके फ़ोन को पूरी तरह से स्कैन करना शुरू कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे स्कैन होने देना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, जिसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपके फ़ोन का जो स्पीड है 28% हो चुका है, और ट्रैश फाइल आप देख सकते हैं, एनर्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब रेड में है। यानी कि दोस्तों हमारे फ़ोन के अंदर सब कुछ अगर रेड में है तो हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ओवरहीट होगा, स्लो चलेगा, हैंग करेगा, काफ़ी सारी दिक्कतें हमारे फ़ोन के अंदर आएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट फुल स्कैन दिया है, इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। अब ये आपके फ़ोन को पूरी तरह से स्कैन करेगा, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस किस चीज़ में प्रॉब्लम है, उसे दोस्तों ये ऑटोमेटिक फिक्स कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसे आपको कट कर देना है, फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपके फ़ोन का जो स्पीड है वो जो है लगभग 62% हो चुका है, यानी कि फ़ोन का जब स्पीड बढ़ जाएगा तो फ़ोन का ओवरहीट होने की कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती, समझ लो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि चार्जिंग के समय दोस्तों हमारे फ़ोन का जो बैटरी है वो भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ओवरहीट हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, तो उसके लिए दोस्तों आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे वापस से परमिशन देने के बाद, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा स्कैनिंग होता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रॉब्लम होगा बैटरी के अंदर उसे भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। आप देखेंगे दोस्तों अब ये पूरा का पूरा 100% में हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 100% ग्रीन में हो चुका है, यानी कि हमारे फ़ोन का जो स्पीड है वो पूरी तरह से अब 100% हो चुका है। अब हमारा फ़ोन बोल सकते हो ना ओवरहीट भी नहीं होगा, स्लो भी नहीं चलेगा, हैंग भी नहीं करेगा। सोचो तीन फायदे हो चुके ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर ट्रैश दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। आपके फ़ोन के अंदर कुछ जंक फाइल्स होती हैं जिसकी वजह से भी दोस्तों आपका फ़ोन हैंग करता है, तो उसे भी दोस्तों यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, ये ऑटोमेटिक पूरा कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर देख लीजिए दोस्तों, ये भी 100% हो चुका है, ये भी 100% हो चुका है। उसके बाद जो एनर्जी है ये 61% है, इससे कोई मतलब नहीं होता, जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ग्रीन में हो चुका है, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर जो मेन चीज़ थी वो सब यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब आपका फ़ोन थोड़ा सा भी ओवरहीट नहीं होगा, थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा। तो समझ गए दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करना है। अगर दोस्तों आपको लगे कि फिर से फ़ोन गर्म होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर स्कैन दिया हुआ है, स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से ये आपके फ़ोन को स्कैन कर देगा, जहाँ पर भी दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हुआ रहेगा, जिसकी वजह से फ़ोन हैंग करना है या फिर बोल सकते हो ना ओवरहीट हो रहा है, तो सब दोस्तों प्रॉब्लम दोबारा से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर आपको क्या करना है। तो इस प्रकार दोस्तों इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, और ये तीनों ट्रिक को अगर आप अपने फ़ोन के अंदर लगाते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपका फ़ोन कभी भी ओवरहीट नहीं होगा। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो प्ले स्टोर को बस ओपन कर लेना है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्लीन अप योर फोन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो ये तीन ट्रिक अगर आप अपने फ़ोन में लगा लेते हैं तो आपका फ़ोन कभी भी ओवरहीट नहीं होगा, चाहे गर्मी हो या फिर कोई भी सीज़न हो, ठीक है। तो उसके लिए बस आप क्या करो यार, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।